What's up guys? आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा क्लेश क्यों हुआ, विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर, जो आपको पता ही है बहुत ही हॉट टॉपिक है इस टाइम पे यूट्यूब पे, और सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लगता है कि इतनी एस्केलेट नहीं होनी चाहिए थी, जो कि सही नहीं लगता है, जेंटलमैन्स क्रिकेट कहा जाता है। तो देखते हैं आज फन तंत्र में आर्ज का क्या कहना है। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। दोस्तों झगड़े देखना हम हिंदुस्तानियों का फेवरेट टाइम पास। मेट्रो में अगर दो सवारियों में बहस हो जाए तो घोड़े बेचकर सो रहे गधे भी मुंह पर छींटे मारकर खड़े हो जाते। बहस कर रही सवारियां मारपीट करेंगी या नहीं करेंगी इस बात को लोग सट्टा लगाने लगे। झगड़े के इंतजार में कुछ लोग 3 स्टॉप आगे निकल जाते हैं। मारपीट देखने के लिए लोग ऑफिस में हाफ डे ले लेते हैं। अब झगड़ों के प्यासे ऐसे देश में अगर 2 सेलिब्रिटीज भिड़ जाएं तो आप सोचिए कि उस देश की एक्साइटमेंट का लेवल कहां पहुंच गया होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात, रिलेटेबल। लोगों को लग रहा है कि माता रानी ने उनकी बरसों पुरानी मन्नत पूरी कर दी, और इस एक झगड़े से देश की जनता इतनी खुश हो गई कि इस खुशी में वो ये भूल गई कि उनकी जिंदगी आज भी उतनी ही झंडे जितनी 2 दिन पहले थी। गंभीर विराट झगड़े के 1.5 दिन बाद भी ये देश ये तय नहीं कर पा रहा है कि कोहली और गंभीर में आखिर किसकी गलती, किसकी, हाँ अभी भी यही चल रहा है, कौन था। जनता अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मामले पर हम ही अपनी दो बॉडी की राय देकर समाज को दिशा दिखा दें। ये भी ठीक है, मगर अपनी राय देने से पहले इस समाज को हम ये बता दें कि अगर आपको गारंटीड जॉब कोरोना भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। पंतंत्र देख रहे हैं आप। हुआ ये कि सोमवार को लखनऊ में जब बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मुकाबला हुआ तो इसी मैच में कोहली और गंभीर आपस में भिड़ गए, मगर कहानी इससे थोड़ा और पहले से शुरू हुआ। जब ये दोनों टीमें इससे पहले आपस में भिड़ी थी उस मैच में जीत के बाद लखनऊ के खिलाड़ियों ने बड़े एग्रेसिवली अंदाज में सेलिब्रेट किया था, और लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर ने भी जीत के बाद मुंह पर उंगली रखकर बेंगलुरु की ऑडियंस को चुप होने का इशारा भी किया। अच्छा ये कर रहा था, ये नहीं पता मुझे। बता अब आते सोमवार वाले मैच पर, जब बेंगलुरु ने 126 रन बनाकर भी लखनऊ को हरा दिया। इस मैच में कोहली शुरू से ही अग्रेसिव थे, इसी चक्कर में उनकी लखनऊ के बैट्समैन नवीन उल हक से बहस हुई। कोहली ने उन्हें क्या बोलते हैं कुछ बोला, काइल मेयर्स को भी शायद मैच के बीच में गालियां दी। अमित मिश्रा ने बाकायदा अंपायर से शिकायत करी कि कोहली हमारे 10वें नंबर के बैट्समैन को गालियां दे रहे। फिर मैच के बाद हाथ मिलाते वक्त भी कोहली और नवीन उल हक में बहस हुई। इस बीच अब कहा यह जा रहा है, पता ये लगा है कि लखनऊ के ऑलराउंडर काइल मेयर्स मैच के बाद जब कोहली से मिले और बोला कि तुम मुझे गाली क्यों दे रहे थे, तो कोहली ने कहा तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। तभी गंभीर को लगा कि झगड़ा ना हो जाए, तो वो आते हैं और काइल मेयर्स का हाथ खींचकर वहां से हटा देते हैं। इसके बाद कोहली ने गंभीर से कहा कि मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, तो आप बीच में काहे को घुस रहे हैं। जिस पर गंभीर का ये कहना था कि मेरे प्लेयर्स जो हैं वो मेरी फैमिली हैं, अगर तुम उनको कुछ कहोगे तो मैं तो घुसूंगा ही। इस पर कोहली ने ठीक करते हुए कहा तो फिर अपनी फैमिली को संभाल कर रखो, बस इसी अच्छा, बात ये था। गंभीर एग्रेसिव हो गए, कोहली भी हो गए, और देखते देखते तमाशा खड़ा हो गया। नजदीकी थाने से पुलिस आ गई, तीनों सेनाएं अलर्ट कर दी, की बाढ़ आ गई, और देखते ही देखते झगड़े का रायता गोमती नदी से होते हुए पूरे देश में फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि जीतने के बाद गंभीर ने जो चिढ़ाने की कोशिश की थी कोहली उसी का बदला ले रहे थे, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं। कुछ ने कहा नहीं भाई, कोहली तो है ही पैदाइशी बदतमीज, वो तो पैदा होते ही नर्स से लड़ लिए थे कि तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला। और तो और कोई नहीं मिलता है तो वो खाली कमरे में अपनी परछाई से लड़ लेते हैं, इसलिए तो उनकी बात मत ही करो। इसी तरह के कुछ और लॉजिक दिए गए इंटरनेट पर, मगर ये सबका मानना है कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना, जहाँ खिलाड़ियों को सरेआम एक दूसरे को जलील करने की आदत है। बात भी ठीक है, मगर सवाल ये है कि जो हुआ उसमें आखिर गलती किसकी थी, और यही मेन बात है। और इससे पहले कि मैं गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर मेन बात पर आऊं, अब मेन बात पर आ जाते हैं, आखिर गलती किस गलती किस। पहली चीज तो ये है ना कि चाहे कोहली हो या गंभीर हो, हम जानते हैं कि दोनों ही एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, दोनों ही ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि आपके सिर पर दीवार मार कर अच्छी बात है एग्रेशन दिखाओ। यहाँ मैच हो रहा है, ये जीने मरने का सवाल है, स्लेजिंग करना है, खिंचाई करना है, गेम का पार्ट है, इससे ही गेम में स्पाइस आता है। ये मोहल्ले में होने वाला कोई जागरण तो है नहीं ना कि खिलाड़ी जयकारे लगाएंगे। दिखाओ भैया एग्रेशन, मगर सारा एग्रेशन मैच तक रखो ना, मैच के बाद हाथ मिलाने में काय को लड़ रहे हो। एक बार मैच खत्म हो गया तो बात खत्म होनी चाहिए। हाथ मिलाते वक्त कौन लड़ता है भाई, वो भी आईपीएल मैच में। बिल्कुल सही बात। यूं तो मेरे कोहली भैया पता है, मगर सबसे पहले मैं कोहली भैया से पूछना चाहूंगा, भाई आपको अच्छे से पता है कि सचिन तेंदुलकर के बाद आप ही इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन, वनडे में आपका रिकॉर्ड शायद उनसे भी बेहतर हो जाए, आपके जितने मैच चेज करके उन्होंने भी नहीं जीता है, पैसे से लेकर पॉपुलैरिटी तक दुनिया का कोई भी क्रिकेटर आपके आसपास नहीं फटकता। ये लेवल है आपका, और इस लेवल का खिलाड़ी लड़ाई किससे कर रहा है आईपीएल के लीग मैच में, नवीन उल हक से। और जैसा कि मैंने कहा बेशक एग्रेशन दिखाओ मगर मौका तो देख लो भैया,
आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रहे हो, सामने मिशेल स्टार्क हो, वो बाउंसर मार रहा हो तो उसे गाली दे दो पिटवाने के लिए, जो बाउंसर मगर आईपीएल के मैच में बेचारे नवीन उल हक को पेल रहे हो। हालांकि नवीन उल हक भी बेचारा नहीं है, मगर आप जैसा खिलाड़ी उससे उलझता अच्छा नहीं दिखा, मतलब उस लेवल पे थोड़ा वो लगता है। आईपीएल में ना खेल रहा होता तो आपको इतने नजदीक से वो कभी देख भी नहीं पाता। गली में भी लड़ाई करने से पहले आदमी ये देखता है कि सामने वाले का लेवल क्या है, वो झगड़ किससे रहा है। जितने उस बेचारे ने इंटरनेशनल मैच नहीं खेले उससे कहीं ज्यादा तो आपके इंटरनेशनल हंड्रेड है, कुछ तो ख्याल रखने का अपने कद का। दूसरी बात, आपके फैंस ये कह रहे हैं कि गौतम ने आपको भड़काया, मगर झगड़ा तो आपका गांगुली से भी चल रहा है, बेइज्जत तो आपने कुंबले को भी किया था, प्रॉब्लम तो आपकी रोहित से भी, परेशान तो आपकी हरकतों से रहाणे भी हुआ। क्या अब ये सारे खिलाड़ी आपसे बदमाशी कर रहे हैं? इसके बावजूद मैं कहूंगा कि आपने इंडियन क्रिकेट के लिए जो किया है वो लाजवाब है। हम हर झगड़े के लिए, आपकी एग्रेसिव अप्रोच के लिए, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा इतना बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी, जब नवीन उल हक के साथ ऐसा बिहेव करता है तो मन करता है कि हम अपना ही जूता निकाल कर अपने ही सर पे दे मारे। और आपको ये भी समझना चाहिए कि सचिन हो, धोनी हो, द्रविड़ हो या रॉजर फेडरर, ये प्लेयर्स इसलिए ग्रेट नहीं थे कि इनके रिकॉर्ड्स बड़े ग्रेट थे, ये इसलिए ग्रेट बने क्योंकि इन्होंने हमेशा मैदान में डिग्निफाइड तरीके से बिहेव किया। चीजें जब इनके फेवर में धोनी तब भी इनके बिहेवियर में कभी कोई एरोगेंस नहीं दिखा। सचिन से ज्यादा तो शायद ही वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक प्लेयर को गलत आउट दिया गया हो, मगर हमें याद नहीं आता बिल्कुल सही उन्होंने कभी बहुत ज्यादा एंगर दिखाया। मैं मानता हूँ कि हर खिलाड़ी का अपना टेम्परमेंट होता है, सचिन का वक्त भी अलग था। हाँ। आप उस जनरेशन के हैं जो टिट फॉर टैट में यकीन रखती है, उसमें कोई गलती नहीं है, मगर ये भी तो सच है कि जब खिलाड़ी का कद बहुत बड़ा हो जाता है ना तो उससे बहुत सारी चीजें जाने देनी पड़ती है, छोड़ देना पड़ता है। गली में होने वाले पार्किंग के झगड़ों की तरह हर बार बाजू चढ़ाकर सामने वाले को पीटने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए ब्रो। और दूसरी तरफ गौतम भैया, उनकी क्या ही बात करें, वो तो खुद कहते हैं कि मैं एक एग्रेसिव प्लेयर हूं, मगर गौतम भाई आप भी एक बात भूल रहे हैं कि आप प्लेयर नहीं है, आप मेंटोर हैं, कोच हैं, और एक कोच का बिहेव करने का भी एक अपना डिग्निफाइड तरीका होता है। आप मैदान में खेल रहे किसी यंग प्लेयर की तरह मैदान में आई ऑडियंस को चिढ़ा नहीं सकते ना, उस ऑडियंस में जाने कितने ऐसे यंग प्लेयर्स होंगे जो आपको खेलता देख बड़े हुए, थोड़ा सही नहीं है, दूसरी टीम के मेंटोर हैं। ये थोड़ा वो लगा मुझे भी, तो आपको एक बार इग्नोर कर देना था, उसे समझाना था, मगर आप तो खुद लड़ने के लिए आगे आगे। अरे भाई, कोच का तो बेसिकली यंग खिलाड़ियों के इमोशन को मैनेज करना होता है ना काम, कोई गुस्सा हो तो उसे शांत करना होता है, फेलियर से कोई उदास हो तो उसका हौसला बढ़ाना होता है, मगर कोच होकर अगर आप खुद ही लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि शायद आप अपने रोल को समझ नहीं रहे क्या। हैरानी ये कि इतने लंबे टाइम तक क्रिकेट खेलने के बावजूद दोनों प्लेयर आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि मैदान में बिहेव करने का एक तरीका होता है। सचिन, द्रविड़ और धोनी सिर्फ अपने रिकॉर्ड की वजह से नहीं बल्कि मैदान में अपने व्यवहार के तरह बिहेवियर, मगर अफसोस इस बात का है कि जब आप जैसे खिलाड़ी मैदान में इस तरीके का बिहेव करते हैं तो हम दर्शकों को लगता है कि शायद आपको ही नहीं पता आप हमारी नजरों में क्या हो। एक कोहली फैन को लगता है कि ऐसा बिहेव करके खुद कोहली उसके आइडल कोहली की इंसल्ट कर रहे हैं। दो दो वर्ल्ड कप जिताने वाले गंभीर खुद अपनी इमेज को लेकर गंभीर नहीं है, फैंस तो यही सोचेंगे ना। तो ये थी भैया कायदे की बात, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ जो जनता है ना वो ये दिल मांगे मोर टाइप की है और ये सोच रही है कि रौनक तुम किस चक्रों में फंस गए ब्रो, दो शरीफ लोग गुंडा ही दिखाना चाह रहे हैं तो दिखाने दो, मैच फीस कट रही है तो कटने दो, उन दोनों को बोलो कि मैच फीस की परवाह मत करें, जो पैसा कटेगा जनता दे देगी, बस आप लोग झगड़ते रहो लड़ते रहो, झगड़े के लिए कहीं से ईंट ना मिल रही हो तो बोलो हम लाके दे दें। ये वो लोग हैं जिनकी शिकायत गंभीर या कोहली से नहीं बल्कि अमित मिश्रा से, जिसने आगे आकर दोनों का झगड़ा नहीं होने दिया। लोग कह रहे हैं कि कोहली को छोड़ो, पहले अमित मिश्रा की 200% फीस काटो, खुद ना ढंग से खेल रहे थे ना हम एंटरटेन हो रहे थे दूसरों का झगड़ा देखकर, तो वो भी नहीं होने दिया मिश्रा जी ने, इन्होंने मजाक बना के रखा है। बाकी इसके अलावा मैं क्या ही कहूं, आज उन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से बात बोला, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जब वो जा रहा था ना हाथ मिला के कोहली, तो उस टाइम उसका मुंह चल नहीं रहा था, मुंह तो मुझे पता नहीं कुछ वैसे, तो ऐसे 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 करके हाथ मिला के जा रहा था तो फिर उसने रोका कुछ ऐसे करके। अब मुझे ये नहीं पता था कि उससे पहले भी नवीन और वो जो हुआ था, तो लेकिन फिर भी एक चीज, हाँ देखो एग्रेशन होता है वो चीज, लेकिन वो मैच के बाद खत्म हो जाना चाहिए पहली बात तो, और मुझे लगता है कि इतना बढ़ के नहीं आना चाहिए था टू बी फ्रैंक, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात ये बोली। देखो नो डाउट एक ऐसे एक एक आम आदमी के हिसाब से ना सारे बंदे को अच्छा लगता है झगड़ा करो ना, बंदे को चुल होती है खड़े ओवे सही है होंदे होंदे ओ देखो ओ देखो लड़ाई होगी वो अलग चीज होती है, ऐसा नहीं होता तो बिग बॉस थोड़ी चल रहा होता, सब रहती और ये क्या लड़ाई हुई है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं ये, उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने सब चीज अचीव करी है। एग्रेशन होता है नो डाउट, वो मैं विराट कोहली का एग्रेशन एंजॉय करता हूँ फील्ड पे मैच मैच, लेकिन जैसे एग्जाम्पल नवीन उसके हाथ हो गया जो भी हो गया कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे मैच तक ठीक है मैच का मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा नवीन ने भी खींची जब हाथ मिला रहे थे, खत्म हो जाना चाहिए था वो वाली चीज। मुझे लगता है कि पता क्या ये तो कॉन्ट्रोवर्सी जो थी हो गई, अब क्या है कि
एज अ फैन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि हमें हम मैच देख रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हम उसको अलग ही जोन में ले जाते हैं। अब जैसे मैं देख रहा था कि काफी लोग जाके मतलब नवीन के उस पे प्रोफाइल पे गाली मतलब लगे हुए हैं। देखो फील्ड पे उनकी जो भी स्पैट हुई, जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या म्यूचुअल जो भी बात थी उनकी वहां पर वो हुई, उसके बाद फिर रेफरी ने बुलाया होगा, बातचीत हुई होगी, वहां जो होगी चलो ठीक है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतने बड़े लेवल पर हम हैं तो उतना नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज धोनी बोला ना, धोनी की बात करें, रॉजर फेडरर की बात करें, वो चीज उसने भी ये चीज बोली ना कि अगर आईपीएल नहीं होता तो वो आपको सामने से पता नहीं कभी लाइफ में देखता भी या नहीं, एक लेवल भी हो जाता है ना। ठीक है, देखो पता क्या, वही फिर भी मुझे लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तब एक बार अगर एक नेचुरल जो बिहेवियर एक प्लेयर का एग्रेसिव है तो कई बार हो जाता है। जब विराट कोहली का एग्रेसिव है तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है वो हिट ऑफ द मोमेंट कई बार बेसिक नेचर है ना, जिससे मतलब है आप उससे तो एक बंदे का बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो है उसे। बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैच के बाद खींच दिया, मैच के बाद जो खींचा वो नहीं खींचना था, मैच में तुमने इतने एग्रेशन देखे हैं ठीक है, बाद में ठीक है अपना हाथ मिलाया और वो वाली बात भी ठीक है कि जैसे गौतम गंभीर ने भी जैसे चिन्ना स्वामी जीत के क्राउड में से किया था, हाँ बोला हाँ क्योंकि भाई हारे जीते क्राउड जिसे चलो नो डाउट इमोशंस होते हैं जीतने का, वो एक एड्रेनलिन रश होता है, लेकिन इतना नहीं एस्केलेट होना चाहिए था क्योंकि हमने स्लेजिंग देखी है इंडोनेशिया के मैचेस, कुछ भी हो लेकिन इतना एस्केलेट नहीं होना चाहिए था कि जो सिचुएशन थोड़ी सी देखने में थोड़ी खराब लगी। एक बार वो तब भी हुआ था ना, सुशांत और हरभजन का भी हुआ था तब भी, और आज देख ले कितने उसमें कई उसमें देखा हमने जो मिलते हैं मस्त एकदम मिलते हैं। हम यहाँ पर किसी को सही और गलत नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कह रहे कि ना होता ना होता तो ठीक, नो डाउट ऐसे वीडियोस पे व्यूज आ जाते हैं लोगों के, अगर हमने जैसे कल मीम्स की वीडियो पे रिएक्ट किया तो उसमें व्यूज आए, वो एक एंटरटेनमेंट वाइज आ गए, लेकिन टू बी फ्रैंक लेकिन हमने कुछ वैसा अब्यूज कुछ वैसा नहीं किया था कि एक्सट्रीम था, नॉर्मल मीम्स से वो हर ठीक है कोई स्लेजिंग हो रही है कुछ वो उसमें बनते हैं, आपका क्या एक्सट्रीम नहीं होना जरूर बताना। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।